कब से यहीं रह रहा हूँ? सर ये कुछ 5-10 साल से है। 5-10 साल से? ओके, तो ट्रीटमेंट किया है इनके लिए क्या? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर सबसे पहले कैसे पता चला कि क्या करना है इसके लिए, हमारे पास कैसे है? सर इसके लिए एक्चुअली मैं काफ़ी देखता था, रिसर्च करता था, दुखी रहना कि मतलब क्योंकि दवाइयों से तो इसका कुछ नहीं होना, क्योंकि काफ़ी लोगों को था तो दवाइयों से कुछ इस पर इफेक्ट था नहीं। दवाई फैमिली में कुछ कजन्स होते, हाँ वो दवाइयाँ लेते थे बट इतना रिजल्ट दिखा नहीं। तो ये यूट्यूब वगैरह पे देख के सर वहाँ से एक वीडियो आपकी दिखी मुझे, उस पर काफ़ी लोगों के ट्रीटमेंट करते थे सर आपने, तो वहाँ से सर मेरे को पता चला और लास्ट ईयर में वहीं से वो चीज़ देख के और करवा के भी गया, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट लगा। लास्ट ईयर कितने लाइफों निकलवा के? 4 लाइफ। 4 निकलवाते गए थे, कहाँ से निकलवाए थे? 1, 2, 3, 4। एक बार फोकस करके दिखाएंगे, यहाँ से निकला था? हाँ जी, 2 यहाँ से, 1 2। यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ से निकला है, आपको पता चलता है कहाँ से निकला? नहीं सर, ये बहुत बढ़िया रिजल्ट है सर। ओके, और यहाँ भी नहीं कहीं पर भी? देर इज एक्चुअली नो मार्क एट ऑल। 1 ईयर बैक ही हैड रिमूव्ड ऑलमोस्ट 4 lipomas, yes. And he has many lipomas. Still there are few lipomas here. He has 1 lipoma in this, which is still pending. There is another lipoma in this region, which needs to be removed. I just marked this one. Actually, this is the size. And this is the size of the lipoma. जो पहले हमने निकाले थे यहाँ से निकाला था इतने बड़े थे कि इससे भी बड़े थे। We had removed quite bigger size lipomas from this area, and today he has come for the removal of another 4 lipomas, 2 in this region, 1 in this region, and another in this region. So we have put very small bandages. We have done the similar technique which we have done 1 year back for him. And still you have one more here also, yeah. He still has one more in this region also, which he is planning to do later on. It's a little bigger, but it's okay. But we can do it with the same technique. So, पिछले वाले बारे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? जो आपने सोचा था वैसा ही रहा कि उससे भी बेटर लगा? सर उससे भी बेटर लगा। अच्छा, जो क्योंकि एक्चुअली इसमें पहली जो चीज लगी वो पेन बिल्कुल नहीं। ओके, और उसका जिसका मुझे सबसे ज़्यादा डरता वो भी बिल्कुल भी नहीं आया। लकीली देर इज़ नॉट एट ऑल। इवन कई बार लोगों के इन सम पेशेंट्स बिकॉज ऑफ हीट और सन एक्सपोजर थोड़ा सा डार्क स्पॉट सा हो जाता है, फॉर हिम देर इज़ नथिंग एट ऑल। इवन रिकॉग्नाइजिंग आइडेंटिफाइंग कहाँ से निकल रहा है मुश्किल है मेरे लिए, इवन स्पेक्स लगा के भी इधर ढूंढना पड़े। वैसे तो आपको तो ग्रॉसली दिखता है, आपको वैसे कि आपको आइडिया है कि ये है? सर एक्चुअली इफ यू गो इन वेरी फाइन डिटेल्स तब भी नहीं मिल रहा। एक्चुअली लुक, सो मेनी पेशेंट हैव अ क्वेश्चन, व्हाट विल बी द स्कार? इफ यू कैन कम एंड फोकस इन दिस रीजन, प्रोबेबली दिस इज द स्कार। और हैवी है कि नहीं, इज इट देयर और नॉट, वी नो बडी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर दिस हैज गॉट रिमूव्ड। एंड वी हैड रिमूव्ड 4, फ्यू आर स्टिल पेंडिंग। दिस वन ही विल रिमूव लेटर ऑन, another we will remove later on, and one which is for the later. This time we have done again the 4 lipomas. इसके बारे में any fears जो इसके बारे में थे कुछ mind में, क्या थे आपके मन में? एक तो scar था, one was the scar issue से, और सर दूसरा टीबी की गांठें बताते थे कि, अच्छा ये भी बताया आपको कि टीबी की गांठें, ये हो सकता है सर, तो कैंसरस भी हो सकता है। अच्छा, तो सर उससे मेंटल प्रेशर काफी बढ़ जाता था, वो चीज़ें दूर करना था। वो तो पिछली बार से दूर हो गई, वो तो साल पहले ही मेंटली फ्री हो गए। 1 साल बहुत बढ़िया था। ठीक है, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? कुछ किसी पेशेंट्स के लिए कोई इन्फॉर्मेशन तो देना चाहते हैं जो लोग, या डर होता है जो मन में? सर नहीं, डर कुछ नहीं होना चाहिए, अगर ये चीज़ किसी को आता तो उसका सोल्यूशन एक ही है सर मेरे को तो। वी हैव टू रिमूव इट, देयर इज नो मेडिकेशन, नथिंग वर्क्स। जब तक आप डिसीजन नहीं लेते तब तक आप एन नंबर ऑफ चीज़ें करते हो, एंड देन वंस यू रियलाइज ये नेगेटिव रिजल्ट भी कभी कभार दे देती है। हाँ, क्योंकि मेरे पास देखी है मैंने, मेडिसिन के कारण पूरी बॉडी पिगमेंटेशन हो गई, काली हो गई, 50 तरह की प्रॉब्लम। मेडिसिन रिलेटेड लोग बोलते हैं होम्योपैथी से साइड इफेक्ट नहीं होते, मैंने ऐसे ऐसे होम्योपैथी के साइड इफेक्ट देखे हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि पूरी की पूरी बॉडी काली पड़ गई। किसी ने होम्योपैथी खाई उससे हीट और फोटो जब सन एक्सपोजर हुआ
वहाँ इतनी पिगमेंटेशन हो गई, और अलग से बीमारियाँ प्रेसिपिटेट हो गई, किसी का किडनी फेलर हो गया एलोपैथिक या अपनी क्या नाम है आयुर्वेदिक खाने के बाद, ऐसे ऐसी चीज़ें लोगों ने, क्योंकि वो सालों साल खाते रहते हैं रिजल्ट इतना आता ही और रिजल्ट नेगेटिव नहीं जीरो, हाँ नेगेटिव है या जीरो है, या तो आएगा कुछ नहीं, कुछ नहीं आएगा, कॉल आप कितनी देर लगी अभी आप आई थिंक 20 मिनट या 20 मिनट 15 या 10 मिनट। थैंक यू।